दिल्ली ऐसी चमकाई गुणे गाना से, दिल्ली ऐसी चमकाई गुणे गाना से, एक बार फिर सीएम केजरीवाल लेना से, एक बार फिर सीएम केजरीवाल लेना से। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जुझारू वाला जीतेगा। आज से 40 साल पूर्व दिल्ली के मादीपुर की पावन धरती पर एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक का समाज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण हुआ जो जन जन की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को दिल से उठाने लगा था, उनके सुख दुख का साथी बन गया था। इस विद्रोही सेवक का नाम है गिरीश सोनी। फौलादी विचारों का यह जुझारू सेवक मादीपुर की समस्याओं को एक आंदोलन का रूप दे दिया था जो धर्म जात और प्रांतवाद की दीवारों से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चल पड़ा। कर्मयोगी गिरीश सोनी अकेले अपने पथ पर निकल पड़े थे, कारवां बनता गया और यहाँ की जनता ने इनकी समाज सेवा की सच्ची भावना को देखते हुए इन्हें 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भारी मतों से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। विधायक बनने के बाद इस जननायक की चुनौतियां कहीं और अधिक बढ़ गई, लेकिन इनके हौसलों की उड़ान तेज थी। ऐसे में यह इससे न घबराते हुए जनता के कार्यों में दिन रात जुट गए। फिर इन्हें केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनके सवालों से विधानसभा गुंजने लगा था। ऐसे में दिल्ली सरकार भी मादीपुर की समस्याओं को हल करने में जुट गई। वहीं गिरीश सोनी ने अपने विधायक फंड की सारी धनराशि जनता के कार्यों में लगा दी। वर्षों से लंबित मादीपुर के 35 फ्लैटों के मरम्मतीकरण का काम जोर शोर से शुरू हुआ। इससे इन मकानों के रहवासियों में जो असुरक्षा का डर था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये तो मैंने जब से बर्थ हुआ मैंने कभी बिल्डिंग और देखा ही नहीं। पहली दफा गिरीशन जी ने करवाया। 3,500 करीब फ्लैट हैं जो यूसिप के बने हुए थे, जो 40 साल पुराने बने हुए थे। आज तक उनको कोई रिपेयर नहीं कराया। उनके जीने हैं, साइड के टाइल्स वगैरह हैं, उनके कॉमन स्पेस हैं, उनके प्लास्टर वगैरह जितने झड़े हुए थे सारे के सारे रिपेयर कराए हैं। इसी तरह मादीपुर में चोर उचक्कों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चौराहों और मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। यह सब जनता की सिपाही गिरीश सोनी की कर्मठता से संभव हुआ। सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं वो हमारी सुविधा के लिए अच्छे। पहले चोरी चकारी होती थी, अब नहीं होती, इससे हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 1.5 लाख कैमरा जो दिल्ली में लगा है, जिससे कि क्राइम जो महिला सुरक्षा को लेकर लगाया गया है, उस 1.5 लाख कैमरे से इतना फर्क पड़ा है, क्राइम में काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और 1.5 लाख कैमरा लगभग और लगने जा रहा है, 1,40,000 कैमरा और लगने जा रहा है। यहाँ के कई गली मोहल्ले में सड़कें जर्जर हालत में थी। इसके नवीनीकरण का काम शुरू किया गया। अनेक जगहों पर अभी भी सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पेयजल की समस्या को ध्यान में रखकर भूमिपुत्र गिरीश सोनी ने अनेक पानी की पाइपलाइनों की मरम्मतीकरण का काम करवाया है और घर घर में पानी पहुंचाया है। अभी भी पाइपलाइनों के बिछाने का काम प्रगति पर है। जहां तक पानी की समस्या है, पानी के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने एक अभूतपूर्व काम किया है। इतनी लाइनें बिछाई हैं, करोड़ों रुपया लाइनों पे लगा है और हर जगह पीने का पानी पहुंचा दिया गया। और हमारे क्षेत्र में भी जहां जहां पीने का पानी नहीं था, जैसे झुग्गियों में है, तो उसका भी लाइन का काम हमने करा दिया है। और पानी के जो बिल थे केजरीवाल सरकार जी ने, वैसे आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता है कि 700 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये किया है कि जितने पुराने बिल लोगों के रुके थे 31 मार्च से पहले के, वो सभी लगभग लोगों के माफ कर दिए गए। मादीपुर में बारिश के समय गटर का पानी जमा न हो, इसे ध्यान में रखकर कर्मयोद्धा गिरीश सोनी के प्रयास से तितारपुर के एक बड़े नाले को ढकने का कार्य जारी है। पहले यहाँ खुला रहता, मच्छर बहुत होते थे, अंदर स्मेल बहुत आती थी, वो चीजें सब खत्म होती जा रही है, साफ सुथरा हो जाए, बंद हो जाएगी चीजें। बड़ी स्मेल भी आती थी, गंदी सी, जब गर्मी में तो बहुत आती थी,
तो अच्छा ही हो रहे। तितारपुर ट्रेन का नाला था जो कि कम से 500 मीटर के लगभग वो खुला पड़ा था, 28 वर्षों से वो खुला पड़ा था, उसको ढकने का कार्य अब चल रहा है, उसका बड़े जल्दी वो कवर हो जाएगा। वही सीवर निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। पानी की सीवर की परेशानी थी और हमने जो क्या नाम गिरी सोनी के पास गए, वहाँ से उन्होंने हमारी पुकार सुनी और पानी पुकार ही सुन ले, तो पानी की अन्य सही हो गया और वो सीवर की लेन डली गई और ये कैमरी का लगाए, इससे बहुत अच्छी बात है। और पानी को बहुत दुख हो हमारे को, और अब है ना कि वो सही पानी आवे और सही रहा और केजरीवाल खूब जीते भाई। जनजन के नेता गिरीश सोनी ने मादीपुर में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मादीपुर के 2000 फुटवियर यूनिट को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में फुटवियर इंस्टीट्यूट के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए विचार करने का निर्णय लिया है। इस तरह के इंस्टीट्यूट बन जाने से यहाँ की हजारों युवाओं को जहाँ रोजगार मिलेगा, वहीं वह फुटवियर का व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। गिरी सुने नहीं देर में जो हमारे देश काम के बारे में सोचा है, उनके लिए हम आप तय देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अपने क्षेत्र की रोजगार से लेकर जो समस्याएं थी, वो ये समस्या थी कि यहाँ फुटवेयर यूनिट्स हैं, एक से एक 1,500 से 2,000 के बीच में छोटे छोटे फुटवेयर यूनिट हैं। तो मैंने ये विधानसभा के अंदर सवाल भी उठाया था कि यहाँ कोई एक फुटवेयर यूनिट होना चाहिए जिससे कि क्वालिटी फुटवेयर यहाँ बन सके और इस और मादीपुर का नाम रोशन हो सके। हम यहाँ एक फुटवेयर मंडी और फुटवेयर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मैंने मुख्यमंत्री साहब से बात की है और उन्होंने उस सुझाव को अच्छा बताया है और तुरंत इस पर भी वर्क होगा और यहाँ को फुटवेयर यूनिट भी खोला जाएगा और जो जिसमें कि इस मादीपुर का नाम इस देश के अंदर काफी ऊंचा हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कर्मवीर गिरीश सोनी ने बसई में त्यागी धर्मशाला के नवीनीकरण के लिए 65 लाख रुपए की मंजूरी दिलवाई है, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा। गिरीश सोनी जी बहुत ही शरीफ, निहायत भले, हरदिल अजीज, सभी के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी इनके साथ हैं, सारे समाज इनके साथ हैं, सभी पार्टी के लोग इनके साथ हैं। धर्मशाला बनने से हमें ये फायदा है कि जो हमारे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जो नहीं हो पाते, जिसके लिए बैंक्वेट्स में जाना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, वो हम यहाँ पे कर पाएंगे। विकास पुरुष गिरीश सोनी ने मादीपुर में 13 खूबसूरत बस स्टैंडों का निर्माण करवाया है, जिसकी भव्यता लोगों को आकर्षित कर लेती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट तक का विद्युत बिल माफ कर जहां गरीब जनता को राहत पहुंचाई है, वहीं मादीपुर में समाज सेवक गिरीश सोनी ने कई ट्रांसफार्मर जनता को सुपुर्द कर घर घर में उजाला लाने का प्रयास किया है। शिक्षा के पुजारी सोनी ने केजरीवाल सरकार के प्रयास से मादीपुर के अनेक स्कूलों का नवीनीकरण का काम करवाया है। इसमें लगभग 200 स्कूलों के कमरों का निर्माण का काम प्रगति पर है, वहीं अनेक कमरों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने एक अनूठी फरिश्ते योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसी भी मरीज की अकस्मात दुर्घटना होने पर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। इसके साथ ही मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए इनाम के साथ उसे सम्मान के रूप में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसी तरह केजरीवाल सरकार ने भारत का पहला अनोखा और इकलौता मोहल्ला क्लिनिक अपने हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया है। इसके तहत सेवक गिरीश सोनी ने मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक पॉली क्लिनिक और 2 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है, जिससे मरीजों का अपने घर के पास ही समुचित इलाज मिल सके। मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने जो खोला है, वरना मोहल्लों में डुप्लीकेट डॉक्टर बहुत बैठते थे, वो भी कम हो गए हैं उससे। और जो है, अब जैसे मेरी तबीयत खराब है तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो
जो खांसी है, जुकाम है, ठंड इस बार बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, तो सारी चीज़ दवाई हम लोग को यहीं से मिल रही है। और तीन दिन हो गए मेरे को, दवाई बहुत फ़र्क है मेरे को इस दवाई से भी। और जो केजरीवाल साहब ने किया वो बहुत बढ़िया किया, जितना भी काम किया है बाकी और कोई कर नहीं सकता दिल्ली के अंदर इतना काम जितना इन्होंने किया है। मुल्ला क्लिनिक से हम बड़े खुश हैं, जो भी बीमारी होती है हम यहाँ आते हैं और जो भी बीमारी होती है सारी दवाई भी देते हैं। जैसे पब्लिक में जगह जगह जैसे कॉलोनी में क्लिनिक खोली गई तो उससे हम पब्लिक को काफ़ी फैसिलिटी मिली है, हमें महंगे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, हम यहाँ पर आते हैं, हमें हर तरह की दवाई हर तरह की सुविधा मिलती है। ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, ये गिरीश सोनी जी ने बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी पब्लिक हॉस्पिटल्स में गई, वहाँ पर मैंने देखा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, यहाँ पर मैं आई हूँ अपने हाथ को दिखाने, 15 दिन से आ रही हूँ, मेरा बिल्कुल सही जाना है। मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाए हैं यहाँ पे ताकि लोगों को सुख सुविधाएँ मिल सकें, स्वास्थ्य से लाभ हो सके। तो इस तरह की जो काम जो होते हैं, और बाकी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने तो आपको पता ही है, दिल्ली सरकार बेमिसाल काम किया है दिल्ली के अंदर, और इसको पूरा देश मान रहा है इस बात को कि केजरीवाल सरकार ने जो करके दिखाया आज तक कभी किसी राज्य की सरकार ने करके नहीं दिखाया। विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गिरीश सोनी ने मादीपुर के अनेक पार्कों का आधुनिकीकरण करते हुए यहां पर ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे गरीब जनता भी मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ ले सके। पहले ये जो पार्क था हमारा, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, मतलब यहां पर ये कुत्ते हो गए, गायें घूमते रहते थे। फिर गिरीश सोनी जी के पास एक लेटर भेजा यहां पे एरिया के सब लोगों ने, उसके बाद फिर यहां पे उनके प्रयासों से देख लीजिए आपके सामने इतना बढ़िया जिम बना है। और मतलब हमारी नॉलेज में तो हमारे पश्चिमपुर एरिया के अंदर सबसे बढ़िया जिम जो है ये हमारे पार्क के अंदर ही बना है, और सारा का सारा श्रेय गिरीश सोनी और उनकी वाइफ को जाता है ये सब। ये जो जिम है हमारे जो विधायक गिरीश सोनी जी ने बनाए हैं, क्योंकि MCD वालों ने नहीं बनाया था, हम सब ने उनके पास लेटर डाले, हम सब लोग मिलके लेडी से मिलके गई कि हमारे यहाँ पे भी जिम होना चाहिए, और उन्हीं के अथक प्रयास से ये जिम बना है। बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके कारण यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया है, कोई कुछ वो नहीं है, कोई डर भय नहीं है, आप रात को भी आए और एक्सरसाइज कर सकते हैं। मादीपुर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो इसे ध्यान में रखकर पंजाबी बाग रिंग रोड पर एक भव्य फ्लाईओवर के निर्माण की दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह गरीबों के मसीहा गिरीश सोनी के प्रयास से मादीपुर की झुग्गी झोपड़ियों में अनेक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। हमारे पास कोई साधन नहीं था, जब से गिरीश सोनी जी आए हैं वो मेरे शौचालय बनवा दिए हैं, तब से हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इसका लाभ सभी झुग्गियों ने उठा रहे, शौचालय नहीं दो दो शौचालय बनवा चुके हैं। पहले से हम जंगल में जाते थे, अब हम यहीं पे जाते हैं बाथरूम में, ये बनना 4 साल से बना दिया गिरीश सोनी ने, 2 साल ये 2 बाथरूम है यहाँ पे, यही यूज होते हैं, अब सारे झुग्गी वाले यही करते हैं। मादीपुर में अनेक जगहों पर जनता को बैठने के लिए सीटिंग बेंच लगाए गए हैं, जो काम पिछले 25 सालों में मादीपुर में नहीं हुआ था वह काम विकास पुरुष गिरीश सोनी ने मादीपुर में 5 सालों में कर विकास की गंगा बहाई है। वहीं केजरीवाल सरकार ने बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा और घर घर पानी का बिल माफ कर भी देश में विकास का एक अनूठा और इकलौता उदाहरण पेश कर यह दिखाया है कि हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, और दिल्ली की जनता हमारे इन्हीं सब अनूठे कार्यों की वजह से दोबारा 2020 के चुनाव में भारी मतों से हमें जीता कर लाएगी। पहले हमने 70 में से 67 सीटें ली थी, तो अब ये नारा है कि अब की बार 67 बार, तो 67 बार का आप मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 70 सीटों में विजय प्राप्त। दिल्ली ऐसी चमकाई गुणे गाना से, दिल्ली ऐसी चमकाई गुणे गाना से, एक बार फिर सीएम केजरीवाल लेना से, एक बार फिर सीएम केजरीवाल लेना से, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, युधारू वाला जीतेगा। गिरीश सोनी जैसा सेवक चमकता हुआ सितारा है, सबके सुख दुख का साथी, सबका यही दुलारा है।